मेरा नाम सचिन सिलावटे और आप मुझे अनएकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको वहां हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं वहां डेली एक टॉपिक कवर करवा रहा हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की ग्रुप 4 की एग्जाम के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 12 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 11 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन्हें भी देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप हमें अनएकेडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैंने एमपी के करंट अफेयर्स के टोटल 5 पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम व्यापम की ग्रुप 4 और व्यापम की ग्रुप 2 की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी के करंट अफेयर्स है। जो दोस्तों, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कशन किए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जाकर भी आप हमें अनएकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया है। तो दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, उड़ीसा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और क्या दोस्तों, नई दिल्ली है। तो दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया था, जो किसने किया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, मतलब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको बताना है क्वेश्चंस में। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और सांची। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था दोस्तों, तो पाली भाषा में दिया था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी पूछा था कि कौन सी भाषा में दिया, तो ये पाली भाषा में दिया था। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहां पर, कुशीनगर में। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो सारनाथ में। कौन सी भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में। अगर इनका जन्म पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, तो लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों, तो कुशीनगर में हुई थी। दोस्तों, यहां पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से कम 4 यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। एक तो पाली भाषा, इनका जन्म लुम्बिनी, और मृत्यु कहां हुई है, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से कौन से शहर में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन में भी बोला है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से कौन से शहर में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, जबलपुर है, मुंबई है, नागपुर है, और क्या है दोस्तों, पुणे। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों पुणे में स्थित है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 में इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हो गई थी, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ ये पुणे शहर में, और इनकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो क्या है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, ओडिसी है, या भरतनाट्यम है। तो दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य वो क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों भरतनाट्यम, तो ये किसका है, तो दोस्तों भरतनाट्यम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये किसका दोस्तों, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों, भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों, तो कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुलसी सम्मान वाला, कि प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया था। आपसे पूछा है कि कौन से क्षेत्र में यह दिया जाता है, तो ऑप्शंस क्या है, लोक कला, साहित्य, संगीत और हिंदी काव्य। तो दोस्तों, ये तुलसी सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शंस क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हो जाएगी दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर मिलते हैं, किसी में 9 मिलते हैं,
किसी में 11 भी मिलता है। तो दोस्तों व्यापम जो है वो मध्य प्रदेश में वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमेशा कितनी मानता है दोस्तों, 9 मानता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आपको अलग अलग बुक में इसके अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके जब भी व्यापम के एग्जाम देते हो और ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप 9 के साथ ही टिक करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या व्यापम ने कितनी मानी है, 9 मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है या सबसे लंबी नदी बताए। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन से, नर्मदा नदी, गंगा नदी, सोन नदी और बेतवा नदी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, नर्मदा नदी है। और दोस्तों ये क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो अगर हम बात करें कुल लंबाई की, तो इसकी जो टोटल जो लंबाई है दोस्तों कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, एमपी में जो इसकी लंबाई है वो है दोस्तों 1077 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और दोस्तों ये जो नदी है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा, अगर इसकी कुल लेंथ पूछी जाए तो 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी, 1077 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम है या ये कहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी। मतलब क्वेश्चन से पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ग्वालियर, इंदौर, नागपुर या उज्जैन। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 के पूर्व जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो दोस्तों क्या थी, नागपुर थी। और दोस्तों अभी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है दोस्तों, तो भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शहर अपनी मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन सा शहर जो है मोमबत्तियों के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना। आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन है, पहला ऑप्शन से गुवाहाटी है, दूसरा नैनीताल है, तीसरा भोपाल और चौथा क्या है दोस्तों, जोधपुर। तो दोस्तों मोमबत्ती के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नैनीताल इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात नहीं कर रहे। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है, अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम है या केरल है दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य वो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और अगर हम बात करें सबसे बड़े राज्य की दोस्तों, तो क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल में हम बात करें तो राजस्थान क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता है तो सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, उसके बाद जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम, उसके बाद सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में जीता था, तो 1999, 1996, 1992 या 1983। तो दोस्तों ये 1983 में क्या करा था, भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था। और दोस्तों भारत ने अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। किसके खिलाफ, इंग्लैंड। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा था कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983, और किसके खिलाफ पहला मैच खेला था, तो इंग्लैंड के खिलाफ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट, निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस शहर का नाम परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर रखा गया, और आपके सामने ऑप्शन से ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है और धार है। तो दोस्तों परमार सम्राट राजा भोज के नाम पर जो है भोपाल का नाम रखा गया है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी वाला, मतलब सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन से कोयम्बटूर हो गया दोस्तों, उसके बाद चेन्नई हो गया, मणिपाल हो गया या और कोची हो गया। तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग की प्रसिद्धि के कारण इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है किस कारण, तो सूती वस्त्र उद्योग के कारण इसको कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा
उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैंने व्यापम की ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग और हिंदी और एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के टोटल 100 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जहां मैंने टोटल 5 पार्ट्स अपलोड कर दिए, जिसका लिंक मैंने दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो दोस्तों अगर आपको वहां पर कुछ भी कंफ्यूजन होता है अनअकैडमी पर, तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक वाइज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों आप वहां पर हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।